बदल गया सब कुछ, बदल गई अनुज और अनुपमा की कहानी, फिर से प्यार की एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हमारा खास शो जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल की। कहानी लगातार आने वाले उतार चढ़ावों की वजह से दर्शकों के दिल में जगह बनाए हुए हैं। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना का स्टारर टीवी सीरियल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा जहाँ एक वृद्धाश्रम चला रही हैं, आप देखेंगे कि जहाँ अनुपमा वृद्धाश्रम चला रही हैं तो वही अनुज कबाड़िया की कोई खोज खबर नहीं है। अनुज कबाड़िया की लीप के बाद पहली झलक दर्शकों को मंगलवार को देखने को मिलेगी। अनुपमा एक मंदिर में पूजा करने जाएंगी तो वहाँ उन्हें बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देगी। सभी लोग एक खास दिशा में देखते हुए बांसुरी बजाने वाले की धुन की तारीफ करेंगे तो वहीं अनुपमा का ध्यान भी इसी धुन की तरफ चला जाएगा। जहाँ एक इंसान बड़े हुए बालों और भिखारियों जैसी हालत में बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा होगा, अनुपमा के मुंह से अनजाने ही सही अनुज कबाड़िया का नाम निकल जाएगा। वो इस बांसुरी वाले की तरफ बढ़ने लगेगी। अब क्या अनुपमा और अनुज की मुलाकात इतनी नाटकीय होगी या फिर मेकर्स इन दोनों की मुलाकात को अभी और खींचेंगे? शो में फिलहाल कहानी में हर तरफ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जहाँ अनुपमा ने अपना वृद्धाश्रम खोल लिया है तो वहीं शाह फैमिली अब फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। अनुज की हालात इतने बुरे हैं और आद्या की कोई खबर नहीं है। शो में अभी तक इन सब की कोई खबर नहीं दी गई है। यहाँ तक कि पुराने सभी किरदारों के बारे में भी अभी कुछ नहीं बताया गया है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। इस लीप के बाद सीरियल में काफ़ी कुछ बदल गया है। जहाँ एक तरफ कुछ किरदार थे जिन्हें हटा दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नए किरदारों को जोड़ा गया है। अनुपमा जिस वृद्धाश्रम में काम करती हैं वहाँ एक लड़का लगातार उसका सपोर्ट करता है। यह लड़का लॉ की पढ़ाई कर रहा है और बाकी वक्त में वृद्धाश्रम में काम संभालने की अनुपमा की मदद करता है। हालांकि ये लड़का कौन है और कहां से है इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं दी गई है। इन सवालों के जवाब अभी बिल्कुल भी नहीं दिए गए हैं। अब आगे देखना ये होगा कि कैसे अनुज और अनुपमा के हालात इतने बदल गए कि अब दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी इतने दूर हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।